नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता राय। बड़ी खबर में आज बात करेंगे कैसे बचे गडकरी की, और इस दौरान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे चीफ एडिटर प्रताप राव। भ्रष्टाचार के मुद्दे को ब्रह्मास्त्र की तरह मानने वाली बीजेपी उस समय बैकफुट पर आ गई जब खुद इसके अध्यक्ष नितिन गडकरी पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लेकिन अब इसे संघ का प्रभाव कहें, गडकरी की किस्मत या बीजेपी की दरियादिली की गडकरी बच गए। लेकिन प्रताप जी, यहां पर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कैसे बचे गडकरी? हाँ, यही सबसे बड़ी बात है कि कल जिस तरह से सुबह लग रहा था कि बहुत ही बादल छा गए हैं गडकरी के सिर के ऊपर, और लग रहा था कि अब तो ये इसमें मूसलाधार बारिश होगी और डूब जाएंगे वो पूरी तरह से, लेकिन अचानक कहीं ना कहीं कहते हैं कि तिनके का सहारा मिला, और तिनके के सहारे से ही गडकरी जैसे भारी भरकम नेता भी पार कर गए इस मुसीबत को। जिस तरह से गुरु मूर्ति अचानक अवतरित हुए, ऊपर से टपके, और गुरु मूर्ति के प्रेजेंटेशन पर ही पूरी की पूरी पार्टी नतमस्तक हो गई, तो ये साफ तौर पे जाहिर था कि ऐसा लगने लगा था सुनीता कि जब कुछ ना कुछ मीटिंग हो रही है, कोर कमेटी की बैठक बुलाई जा रही है और गडकरी के विषय पे कुछ ना कुछ चर्चा होनी है, तो ऐसा लगने लगा था कि गडकरी अब बच जाएंगे। क्योंकि एक आम तौर पे बात है कि यदि किसी को जाना होता है तो उसके लिए कोई मीटिंग नहीं की जाती, उसको कह दिया जाता है कि चुपचाप पिछले दरवाजे से निकल जाओ, ज़्यादा नहीं तो खराबा होगा, इससे अच्छा है कि आप चुपचाप अपना बस्ता बस्ता थामो और चल दो अपने घर। लेकिन जब ये बात आई कि अब बड़े नेता मिलेंगे जुलेंगे, आपस में बतियाएंगे और उसके बाद कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, तो ये बात लगने लगी थी कि गडकरी के लिए अब कोई रेस्क्यू के लिए रास्ता निकाला जा रहा है। वो रास्ते निकालने की सुबह से हुई पूरी कोशिशें हुई और रास्ता तय किया गया, मैप बनाया गया, और उस मैप के बाद एक निकल के आया कि सारी की सारी पार्टी ने मिल के कहा कि गुरु मूर्ति का अब स्टाम्प, रबर स्टाम्प, एक सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब इस सर्टिफिकेट के बाद पार्टी पूरी तरह से गडकरी के साथ है और गडकरी को बाहर भेजने की कोई जरूरत नहीं है, और गडकरी अब पार्टी के अध्यक्ष हैं। जी बिल्कुल प्रताप जी, आपने भी कहा यहाँ पर एस गुरुमूर्ति, एक ऐसा नाम जो जीवन दान लेकर आए गडकरी के लिए। तमाम लोग सोचने लगे आखिर कौन है एस गुरुमूर्ति। तो अभी भी ये सवाल है, हालांकि अब तो काफी चर्चा में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी सवाल आखिर कौन है एस गुरुमूर्ति, और इतनी बड़ी एक कह सकते हैं हम उनको पोजिशन यहाँ पर दी गई। सुनीता सुनीता, वैसे तो कहते हैं कि दूपते के लिए तिनका, तो गुरु मूर्ति गडकरी के लिए तिनका है, लेकिन वो तिनका कौन है? एस गुरु मूर्ति के मामले में एस गुरु मूर्ति तब सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे जब वो फोर्स केस जब पूरे छाया था जो पेपरों में मीडिया में, उस समय गुरु मूर्ति ने ही वो फोर्स की तहकीकात की थी बहुत गहरी। चेन्नई के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, संघ के जो विचारधारा के विचारक माने जाते हैं, या आरएसएस पे बहुत ज्यादा पकड़ है उनकी, और उनकी बात को आरएसएस और बाकी लोग काफी तहे दिल से मानते हैं। और जब अंबानी भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ तो उस झगड़े में क्या काला है, क्या पीला है, क्या सच है, क्या झूठ है, उसको भी बराबर तोलने में गुरु मूर्ति की सहायता ली गई थी। तमाम इस तरह के कॉरपोरेट झगड़े जब भी होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि गुरु मूर्ति कहीं ना कहीं अपनी बात रखते। उनकी मान्यता कॉरपोरेट जगत में ऐसी है कि वो जो कहते हैं कि काफी कुछ साफ कर देते हैं, और यानी कि उबार देते हैं संकटों से, कई लोगों को संकटों से उबारा है। तो ऐसा लगा कि जब जेठमलानी जैसा जो संकटों को खड़ा करने के लिए तैयार बैठा है, और जिसके बारे में कहा जाता है कि जेठमलानी जिसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो उसके पीछे तो ऐसा लगता है कि राहु केतु शनि तीनों पीछे पड़ गए हैं, तो गडकरी को लगा कि इतना बड़ा भारी भरकम जो संकट उनके पीछे पड़ा है जेठमलानी जैसा, तो उसके लिए गुरु मूर्ति जैसा कोई गुरु घंटार ही चाहिए था, तो उनको लगा तो गुरु मूर्ति को वो लेके आए। और गुरु मूर्ति ने, क्योंकि आरएसएस का बैक होने के बैक सपोर्ट होने के कारण जो बीजेपी के नेता हैं उनके सामने कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए, और ऐसी स्थिति में गुरु मूर्ति का उतरने से साफ तौर पर जाहिर था कि अब गडकरी को बचाने के लिए पूरी की पूरी पार्टी तैयार खड़ी है। बिल्कुल, यहाँ पे आपने कहा जो संघ का जो एक प्रभाव हम देख सकते हैं बीजेपी पे, कि कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर, काफी वरिष्ठ नेता है भाजपा में, कल वो बैठक में भी शामिल नहीं हुए, क्या लगता है इस मामले को लेकर? देखो सुनीता, इस मामले में यह है कि लाल कृष्ण आडवाणी को जब उनको हटाया गया था तो दो बात कही गई थी। वो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने जिन्ना की मजार पर जाके कहा था कि जो
जिन्ना को उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष बता दिया था, उसके बाद पूरी पार्टी में उबाल आ गया था। आरएसएस बहुत नाराज हो गया था और कहा था कि आप भाई अब बुजुर्ग हो चुके हैं, आप चलते बनिए, नहीं तो आप कुछ ना कुछ बोलकर हमारी स्थिति खराब कर देंगे। तो आडवाणी को लगा कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति गडकरी की है, क्यों नहीं एक बार मौका फिर देखा जाए। और बीजेपी इस समय जो सुनीता स्थिति यह है कि बीजेपी अब दो खेमों में बट चुकी है। गडकरी 54-55 साल के हैं और आडवाणी अब 85 साल के हैं, तो दो एक बहुत बड़ा जो जनरेशन गैप है वो भी आ चुका है। और बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी पीढ़ी इस समय भाजपा में है, जो कि कुर्सी से पूरी तरह से चिपके रहना चाहती, छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि सत्ता भी शायद आ सकती है। तो गडकरी को लगता था, इनको लगता था कि कहीं गडकरी इधर उधर खिसके तो हमारा मौका दोबारा आ जाए। आडवाणी को बार बार उनके अंदर टीस है एक जी प्रधानमंत्री बनने की, तो कहीं ना कहीं वो टीस जग जाती है और वो टीस कहीं ना कहीं इस लेवल तक पहुंचा देती है उनको कई बार। बिल्कुल। तो यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी को एक टीस है प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन इन तमाम एक विरोधों के बावजूद राम जेठमलानी यहाँ सामने आ रहे हैं, खुलकर विरोध कर रहे हैं नितिन गडकरी का, लेकिन इसके बावजूद जीवन दान दे दिया गया है नितिन गडकरी को। आखिर कैसे जीवन दान मिला नितिन गडकरी को, आइए देखते हैं। ग्रेट भाजपा पॉलिटिकल ड्रामा नितिन गडकरी के जीवन दान के साथ पूरा हो गया। भ्रष्टाचार के गर्त से बदस्तूर हुए नितिन गडकरी को बचाने के लिए आखिर भाजपा के नेताओं को आगे आना ही पड़ा। लगातार चले घमासान के बाद आखिरकार बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी बच गए। मंगलवार रात बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद ये ऐलान हो गया कि बीजेपी गडकरी के साथ है। इस बैठक में एस गुरुमूर्ति ने प्रेजेंटेशन देकर गडकरी का दामन पाक साफ बताया। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने संयुक्त बयान जारी किया। इस बयान में गडकरी पर लगे तमाम आरोपों को नैतिक और कानूनी रूप से गलत बताया गया। साथ ही पार्टी के लोगों से अपील की गई कि सार्वजनिक बयानबाजी ना करें। पार्टी अपने सारे नेताओं और सारे घटनाओं का इस संबंध में कोई भी सार्वजनिक चर्चा। लेकिन इस बैठक में लाल कृष्ण आडवाणी नहीं शामिल हुए, जिससे ये संकेत जरूर मिल गया कि आडवाणी गडकरी पर रहम दिखाने को तैयार नहीं है। पार्टी यहाँ साफ तौर पर दो खेमों में दिखी। एक खेमा जिसमें भ्रष्टाचार को अहम मुद्दा मानकर चलने वाले नेता गडकरी के सख्त खिलाफ है, तो वहीं दूसरा खेमा जो संघ को समर्थन देता है। यही कारण रहा कि वो गडकरी के खिलाफ भी नहीं गए, लेकिन जो खेमा गडकरी के खिलाफ है उनमें कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। जहां लाल कृष्ण आडवाणी चुप रहकर नाराजगी जता रहे हैं, वहीं राम जेठमलानी खुलकर सामने हैं। उनके अनुसार यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा भी उनके साथ हैं। महेश जेठमलानी इसी मुद्दे को लेकर इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इन सब को अनदेखा कर गडकरी को क्लीन चिट मिल ही गई। आपको याद दिला दें कि गडकरी को दूसरा कार्यकाल देने के लिए बीजेपी ने संविधान संशोधन भी किया था, लेकिन आईएसी के अरविंद केजरीवाल के खुलासे के बाद नितिन गडकरी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन इन सबसे परे भ्रष्टाचार को कांग्रेस के खिलाफ रामबाण की तरह इस्तेमाल करने वाली बीजेपी पर खुद कई बाण चलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो तमाम आरोप लगे यहाँ बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जीवन दान मिल गया, क्लीन चिट मिल गया। आगे भी इस पर बात करेंगे कि आखिर कैसे बच गए गडकरी, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी को मिले जीवन दान की, और कल मंगलवार देर रात जो कोर ग्रुप की बैठक हुई उसके बाद ये ऐलान कर दिया गया कि बीजेपी साथ है नितिन गडकरी के। और इस पर और ज्यादा बात करने के लिए जुड़ते हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय शर्मा जी से। विजय शर्मा जी, स्वागत है आपका। विजय जी, यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी पिछले कई महीनों से कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है, लेकिन अब जब खुद उसके अध्यक्ष पर ये तमाम आरोप मिले हैं तो क्लीन चिट दे दी गई है, आखिर क्यों बचा लिए गए नितिन गडकरी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है सुनीता जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी जब भी राजनीतिक दलों के अंदर जब भी कोई आरोप प्रत्यारोप लगते हैं जी, तो कभी भी एकदम किसी को हटाया नहीं जाता। उसका सबसे बड़ा कारण राजनीतिक तरीके से ये होता है कि अगर ऐसा हटा देते तो कांग्रेस को ये लगता कि नहीं, हमने जो आरोप लगवाए थे वो इनके बिल्कुल ठीक हुए और इन्होंने मान लिया, इसलिए इनको हटा दिया गया। और फिर और एक मुद्दा जो राजनीतिक मुद्दा है वो कांग्रेस के हाथ लग जाता कि देखिए हमने प्रेशर बना के गडकरी को हटवा दिया। विजय जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में ये एक राजनीतिक निर्णय था, तो फिर इनके पिता में लाल कृष्ण आडवाणी क्यों नाराज हो गए, क्यों गुमसुम होकर क्यों नहीं आए बैठक में? देखिए, उनका एक कोई अपना पर्सनल जो कोर कमेटी की बैठक में लाल कृष्ण आडवाणी का ना आना, ये शायद इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी काफी वरिष्ठ नेता है, और वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ उन्होंने इस मामले का अध्ययन भी किया, लेकिन इसका यह कयास नहीं लगाया जा सकता कि लाल कृष्ण आडवाणी शायद इसी वजह से नहीं आए, और भी कोई उनके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो क्लीन चिट इस समय गडकरी जी को दी, उससे मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी की कोई साख अच्छी होकर उभरेगी। इस समय नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को पहल कर देनी चाहिए थी और उसका लाभ भी आगे मिल सकता। पर विजय जी, बड़ा एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह से एक बार तो बात ये आई थी कि आरएसएस अब गडकरी के पीछे नहीं, लेकिन आरएसएस के ही विचारक गुरुमूर्ति जिस तरह से उनके एक बचाने के लिए आगे आया और उनकी दलील पर जिस तरह से सारे के सारे भाजपा नेता एक साथ तैयार हो गए, तो क्या लगता है इस मामले में क्या गडकरी वास्तव में पाक साफ है या कोई अंदर ही ये राजनीतिक मामला है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने जब से भी आपको पिछले एक बार मैंने बताया था कि जब गडकरी जी का विषय आपके इसमें चला था कार्यक्रम में, तो मैंने उस समय भी आपसे कहा था कि संघ कभी भी इतनी जल्दी निर्णय नहीं लेता, और जिस समय भी ये बात हमने उस समय भी की, करीब आज से 10-11 दिन पहले हमने इसको भी दोहराया था, संघ अभी सब मामलों में बहुत बारीकी से अध्ययन करता है और अध्ययन करने के बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है, जब संघ इस चीज के आदेश को देता है तो उसको भारतीय जनता पार्टी करते। हालांकि यानी कि आपका भी मानना है विजय जी कि गुरुमूर्ति ने जो निष्कर्ष निकाला है वो एकदम क्लीन चिट देने वाला वो सही है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पार्टी का अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन गडकरी, और पार्टी के लोगों ने मिलकर, पार्टी की जो कोर कमेटी की बैठक है उन्होंने मिलकर आरएसएस के आदेश को मान लिया है, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन आप ये भी देखिए, साथ के साथ राम जेठमलानी है और पार्टी के अन्य नेताओं में भी थोड़ा सा मतभेद है इस विषय को लेकर के, क्योंकि बहुत से लोग पार्टी को बचाने की बात कर रहे हैं, बहुत से लोग गडकरी को बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन विजय जी, आज अभी गुरुमूर्ति ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि मैंने गडकरी के मामले की पूरी जांच कर ली और मैं किसी पर कोई लिखता हूं तो तभी लिखता हूं जब सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिन 14 कंपनियों को लेकर गडकरी को घेरा जा रहा है उन 14 कंपनियों से गडकरी का कोई लेना देना नहीं है, वो कोई नागपुर के और कोई दूसरे महेश मेहता है जिनका कारनामा है इन कंपनियों के पीछे, क्या इस बात को आप मानेंगे? इसमें जो सबसे बड़ी बात है प्रताप जी, वो ये है कि अगर गुरुमूर्ति जी इस तरीके का बयान देते हैं कि उनकी, जैसे 10 दिन पहले हम लोगों ने कहा था कि आरएसएस इस पर विश्लेषण करेगा, अब गुरुमूर्ति जी ने अगर इस तरीके की इंक्वायरी करा ली तो मैं समझता हूँ कि फिर तो ये कोरे रूप से कांग्रेस का आरोप ही रहा, और उस आरोप की इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर और खासतौर पर आरएसएस के स्तर पर उसकी जांच करवा ली और उसमें अपने आप को क्लीन चिट दे दी, और शायद गुरुमूर्ति जी ने भी कल बैठक में इस बात को सबको बता दिया कि इस मामले में गडकरी जी का कहीं कोई नहीं है, इसलिए सब एकजुट होकर के आगे की तैयारी में लगे। विजय जी, एक और बड़ा जो इंटरेस्टिंग ट्वीट प्रभु चावला की ओर से है, उन्होंने कहा है कि गुरुमूर्ति ने तो अब साफ साफ कर दिया है, अब जो गडकरी पे आरोप लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट लेके आए, इसका मतलब क्या होता है? क्या एक ऐसा खेमा बन चुका है जो गडकरी को बचाने में आगे आया है, या गडकरी के खिलाफ कोई वास्तव में ठोस डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको लेकर गडकरी अब अपने आप को